हाय शख्स, मेरा नाम है कीर्ति दातार। और मैं हूँ मिलिंद दातार। हम पुणे से हैं एंड वी आर द फाउंडर्स ऑफ केनबॉट। एक कप कॉफी को लेके अगर इतने मल्टीनेशनल ब्रांड्स बन सकते हैं तो गन्ने के जूस को क्यों नहीं? बस इस एक सवाल से शुरू हुई हमारी जर्नी। हमने शुरुआत की आउटलेट मॉडल से, जहां हमने अब तक 28 लाख से भी ज्यादा फ्रेश शुगरकेन जूस ग्लासेस सर्व किए हैं। वाओ। लेकिन फिर आया पैंडेमिक, रातों रात हमारे सारे आउटलेट्स बंद हो गए और बिजनेस हो गया जीरो। तब हमने सोचा कस्टमर्स हम तक नहीं आ सकते, तो क्यों ना हम अपना जूस कस्टमर्स तक पहुँचाए। हमने बनाए गन्ने के जूस पर आधारित कुछ ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशंस पैकेज ड्रिंक्स के फॉर्म में, जिसकी शेल्फ लाइफ है पूरा एक साल। वाओ, वाओ। जी हाँ, पूरा एक साल, और वो भी बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स के। पर फिर भी अगर कभी ताजा गन्ने का जूस पीने का मन करे तो क्या? हमारे पास इसका भी सलूशन है। इंट्रोड्यूसिंग केनबॉट, द शुगर केन रोबोट। ये एक फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है जो आपकी एक कमांड पर ताजा गन्ने का जूस बनाकर आपको सर्व कर सकता है। दिस हैज अ ह्यूज पोटेंशियल टू डिसरप्ट द एंटायर बेवरेज इंडस्ट्री। शार्क्स, हमारा एक ही लक्ष्य है, गन्ने के जूस को फ्रेश, हाइजीनिक और नेचुरल तरीके से सब तक पहुंचाना। सो टुडे वी आर इनवाइटिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 करोड़ बाय ऑफरिंग एन इक्विटी ऑफ 2.5% इन आवर कंपनी। सो शार्क्स, हु वुड वांट टू जॉइन अस इन मेकिंग दिस बिलवड गन्ने का जूस अ न्यू कूल ड्रिंक। कीर्ति, मिलिंद, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? वी आर मैरिड टू ईच अदर, वी आर अ कपल। ओके, ओके। और इससे पहले आप दोनों क्या करते थे एंड आपने ये कब स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया? हमने 13 साल आईटी में काम किया। वी बोथ वर वर्किंग इन सेम कंपनी, वहीं हमारी मुलाकात हुई एंड दैट्स हाउ वी गॉट मैरिड। फिर शादी के बाद कुछ सालों तक हमने जॉब कंटिन्यू किया, बट हम जानते थे कि हम कुछ अपना, कुछ नया, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं। एंड एक दोपहर को ऐसे ही हम गन्ने का जूस पी रहे थे किसी रोड साइड शॉप पे, और तब हमने देखा कि अपोजिट साइड पे एक कॉफ़ी का ब्रांड का स्टोर था, तो वहाँ से कुछ यंगस्टर्स बाहर आकर यू नो सेल्फी निकाल रहे, इंश्योर कर रहे कि लोगो सेल्फी में आ रहा है, एंड गन्ने के जूस को कोई नहीं देखता। एंड बस वहीं से हमको रियलाइज़ हुआ कि जैसे ह्यूज मार्केट गैप। वी डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च आफ्टर दैट एंड आई थिंक आफ्टर 1.5 ईयर्स ऑफ रिसर्च 2012 में हम दोनों ने साथ में जॉब क्विट किया एंड वी स्टार्टेड दिस होल कंसेप्ट एट दैट टाइम। मेरे को लगता है कंपनियों में ये डेटिंग एकदम बैंड हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे बिजनेस का क्या होगा shaadi.com का अगर आप लोग ऐसे मिलने लगे, है ना? Can we try the गन्ने का जूस? Oh yes. We have two flavors in this. Kokum, and which is the other one? Ganna panna. So these are shots, turmeric shot and chyawanprash shot. Oh yeah. Okay. Wow. And both has sugar cane as a base. I'll try the other. This is ganna panna. Thank you. Yeah, the taste is very good. Oh, thank you so much. It's lovely. The combination of aam panna and sugar cane. Thank you. Thank you. Mmm, yummy. रोड साइड पे जाके जो गन्ने वाले जूस के साथ पीते हैं, हाँ जी, उसके पसीने के साथ टेस्ट वैसा ही है। Oh my God. I meant that in a good way. ये बहुत ही टेस्टी है, let me tell you. Thank you so much. आप मेरे को ये बताइए ये प्रिजर्व कैसे करते हैं, इसका शेल्फ लाइफ एक साल का कैसे आता? हाँ जी, तो पिछले 9 सालों में हम लोगों ने जो डील किया है, अप्रोक्सीमेटली डेली वी वर हैंडलिंग अराउंड 1000 to 1500 kg ऑफ केन। तो इतना शुगर केन जब हम हैंडल कर रहे हैं तो वी हैव अंडरस्टूड इट इन डेप्थ, राइट फ्रॉम द कल्टीवेशन टू हार्वेस्टिंग टू उसके टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है और क्या राइट कॉम्बिनेशन से उसको नेचुरल प्रिजर्वेटिव मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स द प्रोडक्ट रिक्वायर्स रेफ्रिजरेशन, इट नीड्स कोल्ड चेन 12 months एट -18 डिग्री। यस, दैट्स राइट। सो मतलब दैट्स नॉट लाइक अ शेल्फ लाइफ इन नेचुरल रूम टेम्परेचर, मे से 7 डेज। यस। आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे सोच रहे हैं? बिकॉज ये एक कोल्ड चेन प्रॉब्लम है। राइट। सो देखिए, अगर हम आइसोलेशन में सोचे तो हाँ, कोल्ड चेन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ चैलेंज, लेकिन अगर हम उससे कंपेयर करें दूसरे चैलेंजेस के साथ तो ये सबसे बेटर चैलेंज है। फॉर एग्जांपल, एक ऑप्शन है कि प्रिजर्वेटिव्स डाल दो और शेल्फ लाइफ बढ़ा दो, दैट वी डोंट वांट टू डू। दूसरा ऑप्शन है कि उसको यू नो लेट्स से HPP या ऐसा कोई टेक्नोलॉजी यूज करो, लेकिन द टेक्नोलॉजी इज सो एक्सपेंसिव एंड यू स्टिल गेट अ शेल्फ लाइफ ऑफ हार्डली 21 डेज। तो जब हमने उसका कॉस्ट बेनिफिट में वो ठीक निकला ऊपर। लेकिन एक बात बताइए, ये जो है मैं फ्रेश पीती हूँ इसलिए मुझे टेस्ट का अंदाजा है,
मुझे बहुत ज्यादा स्वीट लगा आपका हाँ गन्ने का जूस कंपेयर टू जब नेचुरल जूस हम पीते हैं फ्रेशली मेड, तो मुझे अपील नहीं हुआ पर्सनली। अच्छा ओके, इसके दो तीन वजह है कि एक क्या होता है कि जब आप उसको चिल्ड करते हो, इतना ज्यादा टेम्परेचर लोअर करते हो, तो वो स्वीटनेस उसका एनहांस होता है। अगर आपने कभी वाटरमेलन खाया होगा, आप रूम टेम्परेचर के वाटरमेलन खाइए और चिल्ड वाटरमेलन खाइए, यू फील डिफरेंट। मिलिन जी को बोलने का मौका नहीं मिल रहा। नॉर्मली इज अ स्पोक्सपर्सन। अच्छा, शी इज अ स्पोक्सपर्सन। मैं भी अपने हस्बैंड के साथ काम करती हूँ जी, तो मतलब एक जगह पे बहुत अच्छा चल रहा है, उससे बेटर पार्टनर नहीं मिल सकता था, बट कई जगहों पे काम घर पे भी आता है और यू नो वो बैलेंस जो है लाइफ में जो बहुत ज़रूरी होता है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है, काम की तरफ ज़्यादा चला जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी आप दोनों का कैसे चल रहा है, आप तो कितने सालों से इकट्ठे काम ये कर शायद रहे? आपसे एडवाइस मांग इतना बोलने का मौका दे रहे हैं उनको। मैंने तभी मिलन जी से एक क्वेश्चन पूछा। बिजनेस शुरू करने के पहले हम दोनों एक ही साथ काम करते थे, तो पहले वो फ्रीक्वेंसी हमारी एज अ कलीग मैच हो चुकी थी, एंड दैट्स वेयर वी फाउंड सम सिनर्जीज। शादी के बाद और भी आसान हो गया, और बिजनेस जब साथ करते हैं तो उससे भी ज्यादा आसान हो गया। नंबर्स की बात करें, हाँ जी जी, आप कह रहे हो 9 साल से बिजनेस कर रहे हो, हाँ जी, व्हाट्स योर रेवेन्यू टुडे? तो जो 9 साल पहले हमने स्टार्ट किया था वो एक सर्विस मॉडल था, जैसे मैंने बताया हमने आउटलेट्स वहाँ पे ओपन किए हुए थे आईटी फूड कोर्ट्स में। कितनी आउटलेट्स? 15 आउटलेट्स। ओके, हाँ जी, तो उसका हमारा प्री पेंडेमिक अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर देखिए तो रेवेन्यू था 2 crore पर एनम, पर मंथ अबाउट 18 lakhs। हाँ जी, पर मंथ अराउंड। अभी कितना है? अभी तो बहुत कम है, बिकॉज वो मॉडल कम्प्लीटली डोमेंट है, बिकॉज आईटी फूड कोर्ट्स अभी तक ओपन नहीं हुए हैं, और ये दोनों चीजें हमने अभी पिवट की है, दिस वाज लॉन्च्ड लास्ट ईयर ओनली, तो इसका लाइफ टाइम रेवेन्यू इज 15 लाख रुपीस। सो लास्ट मंथ कितना है? लास्ट मंथ इज 30,000। इसका प्राइस पॉइंट क्या है, रिटेल कितने में होता है? 70 रुपीस है। 70 रुपीस, हाँ जी। और आपको बनाने का कॉस्ट कितना पड़ता है इसको? 20 रुपीस। आप डेमो दिखा देंगे? हाँ जी बिल्कुल, विल डू दैट। मूडी मशीन है। मेबी शायद मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। कोई आदमी तो नहीं बैठा अंदर? नहीं नहीं, आदमी नहीं बैठा अंदर, बिल्कुल नहीं। नहीं, बट ठीक है, हमें आइडिया आ गया। इसका प्राइस क्या है? ओके, तो ये जो है अभी एक प्रोटोटाइप है बेसिकली, तो नेक्स्ट स्टेप अब इसको हमको प्रोडक्टाइजेशन करना है, तो इसका हमको लैंडिंग कॉस्ट हम लोग को जाएगा तकरीबन 6 lakh rupees पर मशीन, एंड उसका सेलिंग प्राइस विल बी अप्रोक्सीमेटली 10 lakh rupees। और ये कैसे चलता है? तो ये बेसिकली एज वी सेड फुल्ली ऑटोमेटिक है, इसका यूआई दिया हुआ है जिसमें आपको जस्ट जाके कमांड प्रेस करके ऑर्डर करना है। इसमें हमने कई सारे फ्लेवर्स भी वापस ऐड किए हैं जो अभी हमने नहीं लगाया है, यहाँ पर प्रोटोटाइप है इसलिए, तो यूजर कैन सेलेक्ट द फ्लेवर, नंबर ऑफ ग्लासेस, एंड दैट्स इट। आपको सब सेलेक्ट करना है। ऊपर जो हॉपर है उसमें शुगर केन स्टोर्ड होगा, स्टिक्स, एक्चुअल गन्ने के स्टिक्स, जो वहाँ से ड्रॉप होकर क्रश होकर ग्लास में ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा एंड इट विल ओपन इट। ये तो आपने इम्पोर्ट किया होगा ना मशीन? नहीं, जिसमें 3 verticals है, one is the outlet vertical, one is the packaged drinks and one is the vending machine. I think आपने बहुत अच्छे से सोचा है बिजनेस के बारे में, लेकिन आप बहुत सारी चीजें जो है इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक अलग बिजनेस है, इम्यूनिटी शॉट्स एक अलग बिजनेस है, मशीन सप्लाई करना एक अलग बिजनेस है। अभी आपके लेवल पे ना बहुत काम करना बाकी है एक्चुअली इसको हमारे तक लाने के लिए या मेरे तक लाने के लिए एटलीस्ट, तो उस रीजन से मैं आउट हूँ, आई एम सॉरी। थैंक यू। जैसे गजल ने कहा, आई थिंक एक तो टू अर्ली है ये, मतलब अभी रेवेन्यू है नहीं, और मुझे ये भी लगता है कि जितना टाइम आपने ये बॉट बनाने में लगाया, अगर उतना टाइम आप लगा लेते इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेट करने में, तो आज ये बिजनेस शायद इन्वेस्टेबल होता। तो आई थिंक टू अर्ली टू सून, आप बहुत सारी चीजों में घुस गए। अगर आप एक चीज को पकड़ के उसको बड़ा करें
तो एक ऐसी स्टेज पे पहुंचेंगे कि कहां इन्वेस्टेबल बनेगा बिजनेस. तो आज मैं बाहर हूं. नो वरीज कीर्ति मिलन. देखिए मैं हमेशा कहता हूं ये बेवरेज इंडस्ट्री है ना, इसका बहुत बड़ा शमशान घाट है. वहां पे बहुत सारी बेवरेज कंपनी दफनाई हुई है. राइट. और इसी तरह ये डिस्ट्रीब्यूशन करते रहे आप 70 रुपये में एक बॉटल, जो बहुत एक्सपेंसिव है मेरे हिसाब से फॉर द मास मार्केट. वेदर यू मेक इट अ फ्रोजन ड्रिंक और यू मेक इट विद शेल्फ लाइफ, इस पे पैसा बनाना नामुमकिन है. सब जूस कंपनियों ने ये सीख लिया है. तो आप इसके बारे में सोचें, विचार करें. मुझे लगता है शायद ये जो आपका केन बॉट बिजनेस है, यहाँ पर एक नीश बिजनेस बन सकता है थ्रू कॉर्पोरेट पार्क्स, ऑफिसेस, एयरपोर्ट्स. राइट. बट आई डोंट थिंक इट्स इन्वेस्टमेंट. उस वजह से आई एम सॉरी बट आई एम आउट टुडे. ऑल द बेस्ट. तो कीर्ति मिलिंद, आई अग्री विद देम कि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं और आपके जो दो नए बेबीज हैं जो पुराना पिवट करके आए, वो दोनों अभी बहुत अर्ली हैं, उसमें प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है. पर आप अगर दोनों घोड़े साथ में चलाने की कोशिश करेंगे तो आप दोनों से गिर जाएंगे. तो मुझे भी लगता है कि ये केन बॉट, बिकॉज वो नेम इज ऑल्सो दिस मशीन. राइट. तो इस पर आपको फोकस करना चाहिए और इसको प्रॉफिटेबली ग्रो करना चाहिए. एंड ओनली वो थोड़ा स्केल पे आएगा तब आप इन्वेस्टेबल होंगे. तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट. कीर्ति और मिलिंद, आप मेरे शहर से हो पुणे. हाँ जी. तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब पुणे से एंटरप्रेन्योर्स आते हैं और आप लकी हो कि आपको इतना अच्छा फीडबैक मिल रहा है. हाँ जी. रीज़न आई एम आउट इज नंबर वन, मुझे बहुत स्वीट लगा प्रोडक्ट, तो मैं पर्सनली प्रोडक्ट से रिलेट नहीं कर पा रही हूँ. राइट. और सेकेंड, गिवन योर रेवेन्यू, मुझे वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा हाई लगा. ओके. But all the very best. Thank you so much. Thank you so much. All right, guys. Thank you.